नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। आज हम बात कर रहे हैं ओवेरियन सिस्ट की। हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या होते हैं ओवेरियन सिस्ट और क्या इससे आपको कोई खतरा है या नहीं। ओवेरियन सिस्ट की अधिकांश कोई सिम्टम होती नहीं है। जब रूटीन पेशेंट अल्ट्रासाउंड कराने गया, पेट में दर्द है, हैवी पीरियड्स हैं, इनफर्टिलिटी है, तब हमें पता चलता है कि ये है। ओवेरियन सिस्ट ऐसी चीज़ है जिसमें महिलाओं को डेफिनेटली खतरा हो सकता है। जैसे ब्रेस्ट में कोई गांठ होती है तो हम कहते हैं उसी टाइम उसका इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है कि कहीं ये कैंसरस तो नहीं। अनलेस एंड अनटिल वी आर श्योर कि कैंसरस नहीं है, हम उसे ज़रूर निकालते हैं। यूट्रस में कोई गांठ होती है, यूजुअली फाइब्रॉइड्स, तो लगभग हमेशा वो नॉन कैंसरस होते हैं, तो वी अश्योर द पेशेंट कुछ नहीं करना। पर ओवरी में जब सिस्ट होती है, खासकर जब 5-6 सेंटीमीटर से बड़ी हो जाए सिस्ट, वी मस्ट बी श्योर इट्स नॉट कैंसरस। और उसके लिए कई टेस्ट किए जाते हैं, दे वेरियस ब्लड टेस्ट, MRI, जो बहुत अच्छी तरह से हमें डिफ्रेंशिएट कराता है उसकी सब्सटेंस के बारे में, एंड CCT, दैट इज कॉन्ट्रास्ट एनहांस्ड CT स्कैन। और अब हमारी न्यूट्रिशनिस्ट बता रही है कि खाने की कौन सी आदतें हैं अच्छी और कौन सी बुरी। कुछ लोगों की आदत होती है दिन में 3 बार खाना खाना, वो बीच बीच में खाना नहीं खाते, और कुछ लोगों को 2-2 घंटे में चरने की हैबिट होती है। लोग मुझसे अक्सर ये पूछते हैं कौन सा हेल्दी है कौन सा अनहेल्दी है। मैं कहूँगी कि छोटे छोटे मील्स बारी बारी खाने ज़्यादा हेल्दी है, क्योंकि इससे क्या होता है आपके शुगर लेवल की फ्लक्चुएशन नहीं होती। जब आपकी इंसुलिन की फ्लक्चुएशन नहीं होती है तो काफ़ी चीज़ें टेक केयर हो जाती है, जैसे कि आपकी PCOD है, जैसे कि आपकी डायबिटीज़ है, वेट लॉस है। तो आप अगर 3 बार बड़ा खाना खाएंगे उसकी जगह छोटे छोटे मील्स खाएंगे तो आप आपके पेट को भी लोड नहीं दे रहे हो, आपके पेट को भी आप स्टफ़ नहीं कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से खाने को जितना ब्रेक करेंगे उतना बेटर है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर आपका 3 मील्स तो है ही है, बीच में आप करीब 3 से 4 स्नैकी टाइप के आइटम्स उठा के खा लो जो आपके हेल्थ को बेनिफिट दे। स्नैक्स का मतलब ये नहीं कि आप एक पिज्ज़ा स्लाइस उठा के खा लो, थोड़ा सा फ्रूट्स ले लो बीच में, थोड़ी सी मूंगफली या भुना चना ले लो, थोड़े से मखाने ले लो, ज़्यादा शाम को भूख लगी 1 कप दूध ले लो। तो डिपेंड करता है आप कहाँ रहते हैं, किस टाइप की आपकी लाइफ स्टाइल है, उसके हिसाब से आप अपना स्नैक्स चूज करो और अपने खाने को करीब 8 बार दिन में ज़रूर खाइए। और आज हमारी योगा एक्सपर्ट आपको सिखाएंगी कैसे करें हलासन और क्या है उसके फ़ायदे। नमस्कार, आज हम हलासन सीखेंगे, फ्लावर पोज। हलासन के बेनिफिट्स बहुत हैं, जिनको बैक में, लोअर बैक में सीवियर इश्यूज हैं वो ये आसन ना करें। इफ़ यू आर प्रेग्नेंट ये आसन ना करें। अगर आपके नेक में इश्यूज हैं तो ये आसन को अटेम्प्ट ना करिए, हाफ वे थ्रू इज़ गुड इनफ। और उसके अलावा ये आसन कितना बेनिफिशियल है, इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैन टोटली ट्रांसफॉर्म, आपकी बैक स्ट्रेंथन होती है। और भी उसके अलावा आपका नर्वस सिस्टम रियली गेट्स अलाइंड। आज मैं आपको इस आसन की 2 वेरिएशंस बताऊंगी, फर्स्ट स्टेप जो बिगिनर स्टेप है। अगर आपको डाउट्स हैं, आप ये आसन कम्प्लीटली नहीं कर सकते, तो आप फर्स्ट स्टेप, बिगिनर स्टेप को थोड़े डेज के लिए ज़रूर प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप इस पोस्चर को कम्प्लीटली कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी स्पाइन पर लेटेंगे, अपनी लेग्स सीधी रखते हुए और जॉइन करते हुए। सबसे पहले आप अपने आप को पूरे तरीके से कंफर्टेबल करिए और फिर दोनों लेग्स इनहेल करते हुए ऊपर उठाएंगे 90 डिग्रीज। फॉर बिगिनर्स फर्स्ट स्टेप इज कि ये लेग्स थोड़ी सी पीछे उठा के लेके जाएंगे, यहाँ से ज़्यादा अभी लिफ्ट ना करें, और अपने हैंड्स अपने हिप्स के नीचे रखें और यहाँ पे थोड़े सांस लेते हुए होल्ड करें ये पोस्चर। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस बिल्ड करें उसके बाद अपनी लेग्स ऑल द वे ऊपर उठाएंगे और पीछे की तरफ लेके जाएंगे और अपने टोज को अंदर की तरफ कर्ल कर लेंगे। अपने हैंड्स को अपनी बैक पे रखिए और अपनी बॉडी को सपोर्ट यहाँ पे रखिए
और फिर धीरे धीरे अपनी लेग्स को वापस ऊपर लाते हुए, अपनी स्पाइन को वर्टिब्रे बाय वर्टिब्रे नीचे लाते हुए, कोशिश करके अपनी नेक ना उठाएं, धीरे धीरे स्पाइन को बहुत धीरे धीरे रोल करके लेग्स 90 डिग्रीज लाके यहाँ से थोड़ा कर्ल करेंगे, नीज को चेस्ट में लाए, लंबी सांस लें और फिर नीज बेंड करते हुए अपनी बॉडी को स्ट्रेट पोजीशन में वापस लेके आए। यहाँ पे कुछ देर रेस्ट करिए, 1 से 2 मिनट, उसके बाद नीज को चेस्ट में लाते हुए बॉडी को ऊपर लाके रोल करके वापस सिटिंग पोस्चर में बैठ जाए। एक चीज़ और इस आसन के बारे में कि अगर आप बहुत ट्रैवल करते हैं और आप योगा से फैमिलियर हैं और ये आसन कर सकते हैं, तो ये आसन जेट लैग के लिए बहुत हेल्प करता है, स्पेशली जिनके आवर्स कंट्री वाइज चेंज होते हैं, अब हॉलिडे सीजन है, तो ये आसन आपको रिजुविनेट करेगा, आपको बैक टू एक्शन, बैक इनटू एक्शन लेके आ सकता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और आज हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट कुछ टिप्स देने वाली है पुरुषों के लिए जो रखते हैं दाढ़ी। नमस्कार, मुझे बहुत सारी चिट्ठियाँ मिली हैं ये बोल के कि मैं जेंडर बायस्ड हूँ, यानी कि जेंट्स के लिए हम कभी कोई टिप देते ही नहीं हैं। इसलिए आज हम एक बहुत ही आम समस्या के बारे में बात करेंगे और वो है इची बियर्ड्स, यानी कि वो जगह जहाँ पर ना तो कभी कोई ध्यान देता है और मेरे ख्याल जो जेंट्स हैं उनको शेव करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ये समस्या काफ़ी लोगों को होती है। इसके लिए बेसिकली ऑयलिंग इन द बियर्ड, यानी कि बालों में, हमारी दाढ़ी में तेल मालिश करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए बादाम का तेल करके आप हल्का हल्का अपनी दाढ़ी पे मसाज करें एटलीस्ट वंस अ वीक। आफ्टर ऑल एपिडर्मल लेयर हमारे स्कैल्प पे भी होता है और हमारे बॉडी पे भी होता है। जो भी इची एरियाज हैं वो कई बार लैक ऑफ नरिशमेंट, लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से इचीनेस हो सकती है, तो आप उसको ऑयल मसाज करें और उसके बाद आप एक कूलिंग पैक लगाइए। इसके लिए बहुत आसान है कि आप मुल्तानी मिट्टी लीजिए करीबन 2 चम्मच और इसमें आप ठंडा फ्रिज का पानी मिक्स करेंगे। ये आपने पैक की तरह नहीं लगाना है क्योंकि नेचुरली अगर आपकी दाढ़ी है तो मास्क तो आप लगा नहीं सकते, लेकिन इसको आप एक क्लेंजर की तरह लगाएंगे। आपने तेल लगा लिया है अपनी बियर्ड के ऊपर और उसके बाद ये लिक्विड धीरे धीरे अपनी बियर्ड के अंदर मसाज करेंगे। एंड ये ध्यान रखें कि ये ठंडा होना चाहिए, सो कीप इट इन द फ्रिज फॉर अबाउट 20 to 25 मिनट्स एंड देन आप अपनी दाढ़ी पे लगाएं। इसके बाद ठंडे पानी से आप अपनी त्वचा को धो डालें और आप देखेंगे दैट नॉट ओनली डज योर बियर्ड फील लेस इची, लेकिन आपकी जो दाढ़ी के बाल हैं दे विल बी सॉफ्टर, दे विल बी शाइनियर एंड यू विल लुक Much better, well groomed. अगर आप बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं करते हैं तो हमारी फिटनेस एक्सपर्ट आपको दे रही हैं कुछ टिप्स। अगर आप उनमें से हैं जो रोज सुबह उठ के सोचते हैं कि दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से करनी चाहिए लेकिन नहीं कर पाते, तो इन दोनों स्ट्रेचेस से आप जरूर शुरुआत कर सकते हैं। उसके लिए आप अपने पैरों को हिप डिस्टेंस अपार्ट रखिए और नीज को सॉफ्ट रखिए। हम साइड बेंड से शुरुआत करेंगे। इनहेल करके लेफ्ट की ओर बेंड कीजिए, एक्सहेल करके राइट की ओर। इससे आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। जितना एक्सटेंड कर सकते हैं उतना नीचे की ओर जाइए। दूसरी एक्सरसाइज हमारी लोअर बॉडी की है, इसमें हम काफ रेजेस करेंगे। एक पैर को आप उठा के रख सकते हैं और दूसरे पैर पे आप रेज कर सकते हैं। अगर आपको बैलेंसिंग में प्रॉब्लम लगती है तो आप वॉल की सपोर्ट ले सकते हैं। इसको 8 से 10 बारी कीजिए और दूसरी साइड पे रिपीट कीजिए। इन दोनों एक्सरसाइजेस को आप जरूर घर पे ट्राई कीजिए। और अब वक्त आ गया है मेकअप टिप्स का। आजकल का लेटेस्ट ट्रेंड है विंच्ड आईलाइनर। ये बेसिकली एक 60s और 70s की लुक है
और यही लुक आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ। इसके लिए हमें चाहिए एक एंगुलर ब्रश और एक केक आईलाइनर। एंगुलर ब्रश को टिप से डिप करें आईलाइनर में और प्रोडक्ट पिक करें। सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ कर लें इस एंगल पे कि वो सीधा आपके आईब्रो के एंड तक मर्ज करें। इसके बाद टिप से लेकर आई के सेंटर तक, इसके बाद हम आईज के इनर कॉर्नर से इस टिप को मर्ज कर देंगे कुछ इस तरह। अब ब्रश में दोबारा कलर पिक करिए और फिल इन कर दीजिए। आपने जो भी आउटलाइन बनाई है ये फिलिंग उसके अंदर ही होगी। ध्यान रखिए कि आई लैशेज के पास स्किन ना नज़र आए, आपका कलर एकदम प्रॉपरली फिल इन होना चाहिए। इसी तरह से हम दूसरी आई के लिए भी करेंगे। दोबारा देखें, यहाँ पर हमारी आईब्रो ख़त्म होती है। इसी की डायमेंशन लेते हुए हम यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद इस लाइन के एंड से अपने आईज के मिडिल तक इस लाइन को लेकर आएंगे कुछ ऐसे। इसके बाद हम इनर कॉर्नर से मिडिल, जहाँ पर आपने पहली लाइन बना के छोड़ी थी, वहाँ तक उसे फिल कर लें। अब हम कलर को आउटलाइन के अंदर फिल करेंगे कुछ इस तरह। आई होप आपको ये ट्रिक सिंपल लगी हो और आप इसे जरूर यूज करिएगा। फिट रहे इंडिया में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर, चाहे तो ट्विटर पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #fitrahe। फिलहाल पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।